हेलो फ्रेंड्स, मैं अनवर वलवार, स्वागत है आपका अनवर एएसपी क्रिएशन चैनल में। मैं हूं गुजरात कच्छफूत से। हमारी जो सीरीज चल रही थी मैक्स पिकअप की, उसकी फाइनल वीडियो आज आ चुकी है, तो वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग में आपको जो बता रहे हैं ये गाड़ी का पहले का लुक था। तो ये गाड़ी पहले स्टार्टिंग में जब हमारे पास आई तब कुछ इस तरह से दिखती थी। आप देख लो इस गाड़ी का, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पूरा दिखाते हैं। ये गाड़ी का पहले का लुक था। अभी इस गाड़ी को आगे से लेके पूरा पीछे तक इस गाड़ी को हमने नया रिस्टोर करके पूरा नया लुक दे दिया है। तो वो वीडियो में आप आगे देख सकोगे कि किस तरह से ये गाड़ी अभी बन चुकी है, पूरी रेडी हो चुकी है। तो वीडियो पे जुड़े रखना, आखिर तक आपको फुल डिटेल बताएंगे। दोस्तों, जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था, फाइनली मैक्स पिकअप की फाइनल वीडियो आ चुकी है। आगे आप देख सकते हो एक बम्पर हैवी बना हुआ है। ओए होए, क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है आगे इस गाड़ी का। तो देख सकते हो कि पूरी डिटेल में आज आपको इस गाड़ी की वीडियो बताएंगे। ये 2009 मॉडल है, बड़ौदा गुजरात से आई है, हम है गुजरात कच्छभूत से। तो देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त कलरफुल एक नंबर रिस्टोर करके ये गाड़ी पूरी तैयार हो चुकी है, पूरी डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको आगे बम्पर बताते हैं। यहाँ पर दुल्हन लिखा हुआ है, देख सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी अभी दुल्हन लग रही है। आगे से पूरी रिस्टोर की गई, इसीलिए यहाँ पर आपको स्टील के गोले वगैरह लगे हुए देख सकते हो। देख कितना ज़बरदस्त लग रहा है, हेडलाइट नहीं लगी हुई, इंडिकेटर नए लगे हुए हैं। साइड की बात करें तो साइड में लॉक वगैरह सब कुछ नया डला हुआ है, रबड़ वगैरह सब कुछ नया लगा हुआ है। आगे हम बताएं तो ये जो शीशा आप ग्लास देख रहे हो, ये पूरा नया लगा हुआ है। इसका जो पुराना था वो टूट चुका था, इसीलिए इसको नया लगा के पूरी रिडीम की सजावट की गई है। यहाँ पर आपको मिलेगा स्टील क्रोम, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक लोखंड का पाइप मेटल का, जो अच्छा एक लुक देने के लिए लगा हुआ है। पूरी रिडीम की सजावट हैवी लगा हुआ है, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है इस गाड़ी का अभी इस पाइप लगाने के बाद। तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सटर का लोगो, ज़बरदस्त लोगो के साथ। तो पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, ज़बरदस्त लग रही है ये गाड़ी। लाइक कर देना वीडियो को। यहाँ पर आपको पर्दे वगैरह मिलेंगे, देख सकते हो ज़बरदस्त। अंदर का भी बताऊंगा। यहाँ पर डोर वाइज़र लगे हुए रिडीम की सजावट के साथ। यहाँ पर क्रोम मिलेगा, लॉक मिलेगा, पूरी सजावट की गई है रिडीम की। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉक नया डाला हुआ है। यहाँ पर रिडीम की पट्टी है, मर्सिडीज का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये पीछे का जो डाला है ये नया लगा हुआ है, इसका जो पुराना था वो भी आपको बता रहे हैं वीडियो में। तो आपको बताएं तो ये देख सकते हो कि ये जो लगा हुआ है, ये जो डाला लगा हुआ है, ये इसका पहले था, अभी इस गाड़ी में लगा दिया। इस गाड़ी में हमने नया डाला लगाया हुआ है, तो वो भी आप डाला देख सकते हो किस तरह से दिखता है, पूरी सजावट के साथ पूरा नया लगा हुआ है। ये जो डाला लगो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का है 2020 वाला। यहाँ पर आपको मिलेगी स्टील क्रोम व्हील कैप, अच्छी लुक लग रही है। यहाँ पर नट बोल्ट के साथ लगी हुई है ताकि गाड़ी चले तो व्हील कैप निकले नहीं, पूरी सजावट की गई है। यहाँ पर आपको बताऊँ बॉडी के बारे में, तो बॉडी पूरी प्लाईवुड की बनी है, वाटरप्रूफ प्लाई है। और आपको बताऊँ तीन पट्टे लगे हुए, एंगल भी हैवी लगी हुई है, पूरी सजावट कलरफुल डिजाइन के साथ बनी हुई है, गुजरात की वन नंबर बॉडी बनी गई। यहाँ पर आपको मिलेगा कैरियर जो आपको पूरी सजावट के साथ हैवी मेटल का बना हुआ है, तो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे आगे पीछे सब कुछ। तो यहाँ पर आपको दिखाऊँ पीछे, तो पीछे आप देख सकते हो पूरा हैवी बम्पर बना हुआ है, पीछे फुल सजावट के साथ कलरफुल बना हुआ है। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा येलो कलर पुला, यहाँ पर ऊपर मिलेगा आपको दो पट्टे लगे हुए देख सकते हो, ये प्लाईवुड के आप निकाल भी सकते हो, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक है यहाँ पर। यहाँ पर आपको पूरा प्लाईवुड का फालका मिलेगा ये येलो कलर के साथ डिजाइन के साथ। यहाँ पर आपको मिलेगी पूरी रिडीम की सजावट, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक के साथ पीछे भी इस गाड़ी को हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको बात करें इस साइड में की, तो इस साइड में नीचे आप मडगार्ड देख सकते हो, पूरी डिटेल के साथ पूरी बॉर्डर कलरफुल बनी हुई है, कड़िया वगैरह लगी हुई है देख सकते हो। यहाँ पर स्टील क्रोम व्हील कैप। ऊपर की बात करें तो पूरी सजावट की गई है एक नंबर कलरफुल के साथ, पूरी डिज़ाइन बनी हुई है। यहाँ पर आपको साइड ग्लास मिलेंगे, यहाँ पर आपको डोर वाइजर पर्दे वगैरह सब लगे मिलेंगे, और यहाँ पर आपको क्रोम वगैरह पूरी डिटेल के साथ बताया। यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, मैक्सटेक का लोगो लगा हुआ है। इसी के साथ आपको मर्सिडीज का लोगो दिखाते हैं। यहाँ पर
तो इस साइड की बात करें, यहाँ पर एंटीगेटर वगैरह पूरे लॉक वगैरह सब कुछ बना हुआ है, एक नंबर। आगे बम्पर भी एक नंबर लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस गाड़ी में पूरी रिस्टोर की गई है और आप हमारे पास गाड़ी एक पड़ी है जो वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उस गाड़ी में काम हुआ है। तो चलो उस गाड़ी को पहले दिखाते हैं कि वो गाड़ी कितना काम हुआ है इस गाड़ी में। तो यहाँ पर आपको जो गाड़ी दिख रही है इसमें पेंट वगैरह हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर आपको अभी पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। ये जो गाड़ी बनी हुई है पूरी लकड़े की बनी हुई है, यहाँ पर आपको पूरा लकड़ा दिखेगा। उस गाड़ी में प्लाईवुड है, इसमें लकड़े में, क्योंकि लकड़े में खिड़की वगैरह नहीं आती है इसलिए लकड़े में खिड़की बनाई है इस गाड़ी में हमने, प्लाईवुड में खिड़की नहीं बनती है। यहाँ पर आपको मिलेगा पीछे व्हाइट कलर का फालका, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक के साथ बनाया हुआ है, देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये जो बॉडी है आपको लकड़े की है और उस गाड़ी में हमने प्लाईवुड की बनाई है, तो लकड़े भी आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको रिडीम का काम अभी काम बाकी है, आगे बम्पर बाकी है, बहुत सारा काम अभी इस गाड़ी में बाकी है। वीडियो ज़रूर लाएंगे इस गाड़ी की भी यूट्यूब पे, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो उस गाड़ी में इंटीरियर का काम हुआ है तो वो भी आपको दिखा रहे हैं कि उस गाड़ी में इंटीरियर का काम कितना हुआ है। तो चलो दिखाते हैं इंटीरियर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंटीरियर ब्लू कलर का, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैं पूरा लेमिनेशन के साथ किया हुआ, यहाँ पर ग्रे कलर लगा हुआ है क्योंकि आपको दिखाएँ तो ये ब्लू और ग्रे, और आगे अंदर आपको दिखाया तो इसका हुड भी ग्रे कलर का है। तो इस साइड में हमने इधर यहाँ पर ग्रे कलर लगा हुआ है ताकि अच्छा एक कॉम्बिनेशन लगे। यहाँ पर एक पर्दे वगैरह लगाए, आप देख सकते हो ब्लू कलर के लग रहे हैं अच्छे। एक यहाँ पर आप स्लाइड भी कर सकते हो, आपको बाहर अंदर बाहर कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी सजावट के साथ मिलता है, आपको बाहर से भी दिखाऊं कैसे लग रहे हैं पर्दे वगैरह, तो देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक यहाँ से आ रहा है। पूरी डिटेल में बताएंगे, अंदर आपको फिर से बता रहे हैं इसकी सीट वगैरह। तो देखो यहाँ पर सीट छोटी लगी हुई है, ऊपर यहाँ छोटी सीट है, उधर बड़ी सीट है, पहले बड़ी नहीं थी, इसको बड़ी बनाई है हमने, पूरी सजावट की गई है पूरी के इंटीरियर की। तो देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये लाइट वाइट भी जलती है, ब्लू भी जलती है, वो भी दिखाएंगे, नाइट का व्यू बताएंगे आपको। तो ये कुछ जो बना हुआ है पूरा सजावट के साथ बना हुआ है, ये लाइट अच्छी तरह से जलती है, रात जो नाइट का लुक है वो भी बताएंगे। पर्दे वगैरह सब कुछ ब्लू कलर का लगा हुआ है, पूरा इंटीरियर ब्लू बनाया हमने। और आपको बताऊं तो ये जो इंटीरियर लगा हुआ है यहाँ पर आपको दिखेगा एक मीटर जो नया डाला हुआ है, 13 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है। तो देख सकते हो पूरा सजावट के साथ पूरा अंदर इंटीरियर भी अच्छा लग रहा है ये, मुझे भी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चलो दिखाते हैं आपको नाइट का लुक। तो दोस्तों वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो में कमेंट करना कैसी लगी मैक्स पिकअप, तो हमें ज़रूर बताना। इसी के साथ तो बोल दूँ कि कई सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए बोलेरो पिकअप की वीडियो और लाते रहेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं, कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे अनुर भाई इस मैक्स पिकअप में कितना खर्चा लगा है, तो वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप नया क्रिएट किया गया, अगर आपको ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप मिलेगी, वहाँ से आप व्हाट्सअप में ज्वाइन हो सकते हो। इसी के साथ आपको बताऊँगा इस गाड़ी में काम हुआ था, वो बहुत सारा काम हुआ था। अगर आपने उस गाड़ी की पहले की वीडियो जो पूरी डिटेल में हमने पूरी इस वीडियो बताई है वो नीचे डिस्क्रिप्शन है, 3-4 आपको पार्ट मिलेंगे, वहाँ से आप देख लेना किस तरह से आपको वीडियो में काम हुआ था, वो सब कुछ बताया, जितना काम हुआ है वो सब कुछ बताया हुआ है। लास्ट में भी आपको 3-4 वीडियो मिलेगी,
एंड स्क्रीन में वहाँ आप देख सकते हो इस गाड़ी की किस तरह से इस गाड़ी में काम हुआ था। सबसे पहले आपको बताऊँ, इस गाड़ी में आगे का केबिन है वो रजिस्टर हो गया है, इसी के साथ पीछे जो डाला लगा हुआ एक्स्ट्रा स्टोन का लगा हुआ है 2020 वाला, ऊपर जो बॉडी प्लाईवुड की बनी हुई है। इस गाड़ी में रेडियम का काम हुआ है, वायरिंग का काम हुआ है, हेडलाइट और इंडिकेटर वगैरह सब कुछ बना हुआ है। इसकी पूरी एसेसरी की हुई है, स्टील की एसेसरी की हुई है, अंदर सीट वगैरह बनी हुई है, आपने वीडियो में देखा ही होगा, ज़्यादा मैं बताने वाला नहीं हूँ अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी के साथ इस गाड़ी में कंप्लीट खर्चा जो लगा हुआ 1,30,000 लगा है। अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है, अच्छी कनेक्शन में होगी तो कम खर्चा लग सकता है, लेकिन बुरी कनेक्शन में होगी तो ज़्यादा भी लग सकता है। मैं आपको अंदाज़ा देख सकता हूँ, अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी अगर आपको बनानी है तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में गाड़ी आपकी लग्जरी बन जाएगी, जो आपको वीडियो में बताई इस तरह से। अगर आपको ऐसी गाड़ी बनानी हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। अगर आप बात करनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हमें फ़ोटो भेजिए, हम आपको बताएंगे कि इस आपकी गाड़ी में कितना खर्चा लगा। कोई क्लियरिटी के साथ आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा कि किस तरह से काम होता है, हमारे वर्कशॉप में आपको पूरी क्लियरिटी के साथ बताएंगे कि किस तरह से गाड़ी में पहले से काम होता है। अगर आपकी गाड़ी हमारे पास काम में आई तो हम आपको यूट्यूब के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह से काम हुआ है। इस गाड़ी के सब वीडियो हमने डाली है कि आपको पता चल सके कि इस गाड़ी में काम हुआ है वो अच्छा वाला अनवर भाई ने किया है। तो आपको कुछ भी काम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। तो आपको मैं बताऊं तो इस गाड़ी में काफ़ी सारा काम हुआ था, इस गाड़ी के ओनर थे वो काफ़ी अच्छे थे, हमने बहुत अच्छी तरह से इस गाड़ी में काम किया, ओनर भी सब कुछ अच्छा काम करवा रहे थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, ओनर से भी हमें मज़ा आया काम करने के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, नई वीडियो जो आने वाली है वो बोलेरो स्टील वाले बम्फर की आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आपको मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।